नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं इंडिया समाचार। खबर बलिया से है, जहां यूपी के पूर्व मंत्री उपेंद्र तिवारी ने बयान देते हुए कहा, राहुल गांधी अखिलेश यादव सिर्फ यात्रा करते हैं और स्लोगन देते हैं। उपेंद्र तिवारी ने कहा, कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने देश के विकास के लिए कुछ नहीं किया। उपेंद्र तिवारी ने कहा, कांग्रेस ने विरासत में देश को कर्ज में डूबे हुए बच्चे दिए हैं। उन्होंने कहा, मोदी जी का नारा है सबका साथ सबका विकास, सबका विश्वास सबका प्रयास। उन्होंने कहा, इंडिया गठबंधन में पीएम पद के 28 दावेदार हैं, जबकि 2024 से 400 सीट जीते कर मोदी सरकार बनेगी। आनंद मोहन मिश्रा, ब्यूरो चीफ, बलिया। जी मंत्री, आज विकसित भारत संकल्प यात्रा का आज यहाँ पे कार्यक्रम किया गया, किन किन योजनाओं से यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र? पहली बात, क्या आज़ादी की लड़ाई में बलिया के वीर शहीदों का सबसे बड़ा योगदान था। सबसे पहली आज़ादी बलिया में मिली थी, जो माननीय प्रधानमंत्री जी का विकसित भारत संकल्प यात्रा, उसका संकल्प ही एक ही है कि आज भी आगामी 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है कि हम अपने वीर शहीदों के सपने को साकार करने के लिए, जो हमारे देश की आज़ादी मिली, जब आज़ादी का हम शताब्दी वर्ष मनावें, तो एक ऐसा भारत जो आत्मनिर्भर स्वावलंबी एक विकसित भारत हो, जो दुनिया के मानचित्र पे विश्व का गुरु देश के रूप में दिखे, इस दिशा में ये मोदी जी और योगी जी के नेतृत्व में इस देश में काम चल रहा है। उसी के परिप्रेक्ष्य में विकसित भारत संकल्प यात्रा गांव-गांव में जा रही है। अभी तक जितनी योजनाएं पहुंची है, उसके लिए मोदी जी योगी जी को, माननीय अमित शाह जी को, माननीय नड्डा जी को जनता धन्यवाद दे रही है, और जितनी योजनाएं शेष रह गई हैं उनको सूचीबद्ध करके यथाशीघ्र कराने का प्रयास चल रहा है। इसीलिए विकसित भारत यात्रा गाँव-गाँव जा रही है। भारत में राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा करके एक यात्रा निकल रही है, जो कि सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में रहने वाली है। इस यात्रा को आप कैसे देखते हैं? और अखिलेश यादव कल बलिया आए थे, उनका साफ तौर पर कहना था कि इस यात्रा से पहले सीट बंटवारे का वो तय हो जाए, उसके बाद उस यात्रा में अखिलेश यादव या समाजवादी पार्टी शामिल होगी। अभी से इस तरह की बयानबाजी इंडिया गठबंधन में आप कैसे देखते हैं और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, चाहे राहुल जी हो चाहे अखिलेश जी हो, इन लोगों को सिर्फ यात्रा करना है और इनको स्लोगन देना है। राहुल जी के नाना जब इस देश के प्रधानमंत्री थे नेहरू जी, तो उन्होंने कहा कि रोटी कपड़ा और मकान, ये नारा दिया। उनकी दादी जब देश की प्रधानमंत्री थी, तो उन्होंने कहा कि गरीबी हटाओ देश को बचाओ। राजीव गांधी जी आए और राहुल जी हैं, तो बेरोजगारी हटाओ देश बचाओ का नारा दे रहे हैं। एक परिवार के लोगों ने इस देश पर 45 साल तक राज किया और कांग्रेस पार्टी उसके सहयोगी दलों ने 55 से 60 साल तक राज किया, और इस उत्तर प्रदेश हिंदुस्तान की जनता को न रोटी दिया, न कपड़ा दिया, न दिया मकान, न गरीबी हटाया, न देश बचाया, न बेरोजगारी हटाया, न देश बचाया। 55-60 सालों तक इस देश पर राज करने के बाद वरासत में यही दिया कि हमारे या आपके किसी भी परिवार में कोई बच्चा और बच्ची पैदा होता है तो कर्ज में डूबा हुआ पैदा होता है, इसके लिए कोई जिम्मेदार है तो कांग्रेस पार्टी और उसके सहयोगी दल। उन सब लोगों ने नारा दिया। मोदी जी ने एक नारा दिया था प्रधानमंत्री बनने के पहले कि सबका साथ सबका विकास, 2019 में दो स्लोगन और जोड़ा कि सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो तब के भारत और अब के भारत में अंतर यही है कि पहले जिसका नाम BPL सूची में होता था, उसी व्यक्ति को केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकार की योजना का लाभ मिलता था। अब के भारत में है कि चाहे गरीब हो या अमीर हो, मोदी जी और योगी जी की सरकार में सभी लोगों को सारी योजनाएं मिल रही हैं, और बहुत सारी योजनाएं हैं जो सबके लिए है। और ये अब का भारत है, यही मोदी जी का भारत है, यही विकसित भारत है, यही संकल्पित भारत है, और वही संकल्पित कराने के लिए गाँव जा रहा है कि 2047 तक एक ऐसा भारत जो दुनिया के मानचित्र में हर क्षेत्र में विश्व का प्रतिनिधित्व करते हुए विश्व गुरु के रूप में भारत दिखे, उसी भारत की कल्पना करते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये मोदी गारंटी वाला रथ काम जा रहा है। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर आज चर्चा चल रही है, कितने में JDU और कांग्रेस कितने सीटों पर लड़ेगी? चाहे बिहार हो चाहे UPA का इनका गठबंधन हो, चाहे ND Alliance गठबंधन, जितने दल के नेता हैं
सबके मन में अपेक्षा ये है कि हम देश के प्रधानमंत्री बने। आज 28 दल हैं तो उस गठबंधन में 28 प्रधानमंत्री के दावेदार हैं। तब मामला सीट के बंटवारे पे आएगा और तब उनका मामला आएगा कि मोदी को हटाओ, देश की जनता का लगाव मोदी के साथ है, देश के गरीब मोदी के साथ है, देश के किसान मोदी के साथ है, देश के नौजवान मोदी के साथ है, देश की माताएं बहनें सबकी दुआ मोदी के साथ है। तो पिछली बार से भी ज्यादा प्रचंड बहुमत के साथ अब की बार 404 पार से ऊपर आकर के मोदी जी के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है।